नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर क्या है बेसिकली, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम भाई, जैसे कोई रिएक्शन में बात करूं, ए से बी जा रही है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और कोई रिएक्शन ए टू बी, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, जो ये चीज़ बताता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी वो आपको डेल्टा जी बताएगा। स्पॉन्टेनिटी कौन बताएगा? डेल्टा जी, थर्मोडायनेमिक्स। कितना कौन कितना अमाउंट में बना, ए कितना परसेंट है और बी कितना परसेंट है, जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताएगा, वो इक्विलिब्रियम बता देता है। परसेंटेज कंपोजिशन आप जो निकालते हो इक्विलिब्रियम से निकालते हैं, दोनों इलेवेंथ में, और किस रेट से होगा, रेट की जो बात करेंगे, रेट ए से बी बदल तो रहा है, कितनी देर में कितना बनता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। ये है अपना, ठीक। तो ए से बी कितनी देर में जाएगा और कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे, ठीक है, ये जो अपना है वो काइनेटिक्स का पोर्शन है। अब काइनेटिक्स में जो काइनेटिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से, तो उसके अंदर था काइनेसिस बोलते हैं, काइनेसिस का मतलब होता है मोमेंट, वो बताएगा। ये आपको सिर्फ रेट के बारे में बताता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, डायमंड, ठीक, डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में। आप देखोगे इसका जो डेल्टा एस होता है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी चेंज। आप देखोगे रेंडमनेस को बताता है एंट्रोपी बेसिकली। डायमंड के अंदर एक कार्बन चार उससे जुड़ा हुआ होता है, और आपका ग्रेफाइट के अंदर तीन से जुड़ा हुआ होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसके पास एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात रही डेल्टा एच की, डेल्टा एच हम थर्मोडायनेमिक्स में एक लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है स्टैंडर्ड स्टेट पे, ग्रेफाइट की जीरो लेते हैं और डायमंड का कुछ पॉजिटिव में रहता है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है कार्बन का वो ग्रेफाइट है। तो ये अनस्टेबल से स्टेबल दुनिया की कोई भी चीज़ जाएगी, इसका जीरो होता है, इसका प्लस में होता है, तो क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। आप डेल्टा जी की बात करोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से आप निकाल के देखेंगे इसको, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव आएगी, ये भी क्वांटिटी आएगी नेगेटिव, मतलब ये गारंटी है कि जितना दुनिया में डायमंड है वो सारे का सारा एक दिन ग्रेफाइट में बदल जाएगा। अब ये बदल जाएगा, ये बात थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया। कब बदलेगा, कितना टाइम लगेगा, ये जो बताएगा वो रेट बताएगा। कौन बताएगा? रेट। तो उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये था आपका इसका बेसिक आइडिया कि क्या काइनेटिक्स में होता है। जैसे मैं बताऊं, ए है कन्वर्ट इनटू बी में गया, ये इसके आगे जो कोफिशेंट होते हैं वो आपको मोल कॉन्सेप्ट का रेशियो दे रहे होते हैं कि इसका एक मोल से एक मोल बनेगा, दो से दो बनेगा, हंड्रेड से हंड्रेड बनेगा, थाउजेंड से थाउजेंड बनेगा, रेशियो देता है आपको, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे इसका मान लिया कि पाँच मोल रहा हो, ठीक है, इसका स्टार्टिंग में जीरो रहा हो, टी इज इक्वल टू मान लिया वन सेकेंड हुआ, ठीक है, ये तीन मोल हो गया हो, ठीक है, कितना मोल टूटा? दो मोल टूटा। जितना टूटेगा उतना ही बनेगा, कैसे? वन वन का रेशियो, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये यदि एक्स टूटेगा तो ये एक्स बनेगा, ये टू टूट गया तो ये टू मोल बन गया, ठीक है। अब हम जो रेट निकालते हैं, रेट की बात करें, रेट क्या चीज़ होती है, ठीक है, रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, जो टाइम उसमें लगा है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो हम बात करें डेल्टा आर और डेल्टा पी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, डेल्टा मीन्स चेंज और ये जो डिब्बा लगा है उसका मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाई
चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट, दैट इज कॉल्ड रेट। ये एक रेट ऑफ रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर रिएक्शन लिखी है मैंने उसका। अब ऊपर वाले रिएक्शन से आप रेट निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब देखोगे जब भी रिएक्टेंट की बात आएगी, रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा कि शुरू में ज़्यादा होगा और फिर घटते घटते तीन पे पहुंच चुका है ये, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 5, टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, कितना आ गया, -2 mole/s। अब जो रेट होती है वो रेट कभी भी, जो रेट होगी वो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होती है। रेट क्या होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। और इसी को आप यदि प्रोडक्ट से निकालो, प्रोडक्ट से आप निकालोगे रेट और रिएक्शन की बात करूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन जब आप प्रोडक्ट से निकालोगे तो 2 - 0/1, 2 mole/s, ठीक है। अब इसके अंदर जो दिक्कत क्या आ रही है कि एक जगह से माइनस में आ रही है, एक जगह से प्लस में आ रही है। रिएक्टेंट में जब भी आप लोगे माइनस में आएगी, तो इसीलिए जो रेट निकाली जाती है, जो रेट होती है उसके आगे माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी लगा देते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट के आगे माइनस क्यों लगाया हुआ, क्योंकि रेट जो होती है, रेट जो हम डिफाइन करते हैं, कभी वो माइनस में नहीं होती है। माइनस में नहीं होगी, इसी वजह से क्या लगा दिया गया, नेगेटिव आगे लगा दिया गया। और जब आप प्रोडक्ट की बात करोगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगा देंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम रेट डिफाइन करते हैं। रेट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू चेंज इन टाइम, टू चेंज इन टाइम। ये एक रेशियो है किसका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेट। अब ये सबसे सिंपल वाला एग्जांपल मैंने सबसे पहले आपको दिया है। अब देखिए थोड़ा और हम बात करते हैं, इसी के अंदर कोई अच्छा एग्जांपल लें। अब इसी के अंदर एक, जैसे मान लिया मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नेक्स्ट 2A फॉर्म B, इतना मोल कंसेप्ट सभी बच्चों को आता होगा। ये आपको क्या बता रहा है, इसका यदि 2 mole जाएगा तो प्रोडक्ट का कितना बनेगा, 1 mole बनेगा। इसका 2 mole जाएगा तो प्रोडक्ट का कितना बनेगा, 1 mole बन रहा है। अब यहाँ से यदि मैं मान लूँ t = 0 था, t = 0 पे ये 10 molar था, कंसंट्रेशन ले लो या मोल्स ले लो, ठीक है, ये 0 आ गया, ठीक है। t = मान लिया 2 सेकेंड के बाद मैंने चेक किया, यहाँ पे बच गया 6 molar, ठीक है। और यहाँ से अब देखोगे ये बन जाएगा 2 molar, कैसे बना, ठीक। जैसे मैं आपको सिंपल समझा दूँ, ये 10 था तो ये 0 था, 10 - 2x होगा इसमें से, 10 - 2x, क्योंकि जो आगे लगा वो बताएगा कितना जाएगा, 2x, इसका 2 जाएगा तो इसका कितना बनेगा, 1, ये कितना बन गया, x। यहाँ से आप देखोगे जो 2x है, 10 - 2x की वैल्यू 6 के बराबर है। यहाँ से आप 2x की वैल्यू निकालोगे 4 और x की वैल्यू क्या निकाल दोगे, 2, ठीक है। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 6 आ गया है। यहाँ से आप रेट निकाल के देखोगे, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस, माइनस आगे लगाते हैं, ठीक, 6 - 10 डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड, कितना आ गया। यहाँ से आप देखोगे आपका 4 आएगा, 4 / 2, 2 molar/s। और यदि रेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम प्रोडक्ट आप निकाल के देखोगे, 2 - 0/2, 1 molar/s। ये तो अलग अलग चीज़ आ गई, थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था किसी से भी निकाल लें, उसमें ऐसा नहीं हुआ और इसमें ऐसा क्यों हो गया। आप देखिए इसमें जो ए है उसका कोफिशेंट अलग है और बी का कोफिशेंट क्या है, अलग है। अब इनका यदि कोफिशेंट अलग अलग होगा तो ये गारंटी है कि इनका जो रेट है, इसके टूटने का रेट और इसके बढ़ने का रेट भी तो अलग अलग होगा, तो एक फॉर्मूले से तो चीज़ ये नहीं आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या किया गया, आप क्या कीजिए, जो भी कोफिशेंट आपको दिया गया है, 1 दिया गया, 5, 7, 15, 20, आप उसको मत देखिए, आप उसमें से जो आप ए का जो आप निकाल रहे हो, ये जो आपने निकाला है रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक्चुअल में नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। तो ये क्या है, ये ए के टूटने का रेट आपने बता दिया, ए के टूटने का रेट, ठीक है। और जो ये आपने बताया, ये बी के मरने का रेट बता दिया है, ठीक है। हाँ, बी के मरने का रेट का कोफिशिएंट बन रहा, तो क्या किया गया कि इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए और एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि आप पर
मॉलिक्यूल के हिसाब से आप रिएक्शन निकालिए। यहाँ से आप देखोगे ए के आगे दो कोफिशेंट है, आपको बता रहा है दो मॉलिक्यूल ए के एक मॉलिक्यूल बी का बना रहे हैं, ठीक है। पर मॉलिक्यूल के हिसाब से डिफाइन कीजिए, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से डिफाइन करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसे टू से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये तो दो मोल का आप बता रहे हो, दो मोल ए एक मोल बी बना रहा है, ठीक है। हम रिएक्शन में क्या देखते हैं, पर मोल के हिसाब से आप देख लीजिए। अब दो मोल एक बना रहा है तो एक मोल कितना बनाएगा, वन बाई टू से इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन जो आया, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है कैसे निकालते हैं, ठीक है, वन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, माइनस लगा देंगे रिएक्टेंट है तो, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। जो भी कोफिशेंट हो उनको आप डिवाइड कर लीजिए, ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, ठीक है। अब लेकिन जो आप ये निकाल रहे हो वो क्या है, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिसोसिएशन भी बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिसोसिएशन ऑफ ए, ए का डिसोसिएशन का आपको कोई रेट पूछे तो रिएक्टेंट है तो माइनस, ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा टी जो आप पहले निकाल रहे थे ये एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये ए का रेट बता रहे हो आप कि रे ए का रेट टूटने का ये होगा। तो आप देखोगे ए का कितना कोफिशेंट है, दो, ठीक है, ए का कोफिशेंट क्या है, दो। तो ये जो ए का टूटने का जो रेट होगा वो टू टाइम होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो पर मोल निकाला जाता है, ये आपको दो मोल का देगा। ए का आपको जो आंसर आएगा, यदि ए का आंसर यदि मान लिया तुम्हारा 100 आ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, यदि इसका 100 आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 50 होगी, क्योंकि ये तो आपको दो मोल के हिसाब से बता रहा है और आपको पर मोल डिफाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए बी के बढ़ने का जो रेट है, कोफिशेंट कितना है, 1, पर मोल ही डिफाइन हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन और जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होगा वो सेम रेट आएगी, क्यों, कोफिशेंट ऑलरेडी 1 है। यहां से रेट ऑफ फॉर्मेशन की मैं बात करूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो भी प्रोडक्ट की बात आएगी वो प्लस, प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डिवाइड किसे किया है, डिवाइड करना नहीं है, जब इंडिविजुअल रेट की बात हो बी की ए की तो आपको कोफिशेंट से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, सीधा आपको लिखेंगे। और यहां से आप देख के बता सकते हो जितनी इसकी रेट बढ़ने की होगी इसकी रेट दो गुना होगी टूटने की, क्यों, इसका कोफिशिएंट 1 है, यदि ये एक बनेगा तो ये दो जाएगा, ठीक है। ये जो आप बता रहे हो पर्सनल रेट बता रहे हो, इसकी इंडिविजुअल रेट बी की अपनी ए की अपनी, आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो पर मोल के हिसाब से निकलेगी, ठीक है, जितने मोल इसके बने डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट कर दो, जितने मोल इसके गए डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, पर मोल निकालोगे तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। तो ये था आपका एक्चुअल जो है। अब जैसे मैं एक जनरलाइज एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ, जैसे ठीक 3a प्लस 5b फॉर्म 4d प्लस 3e ऐसा है, तो इसके अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए, ROR, आप किसी से भी निकाल सकते हो। ये आपको बता रहा है इसके 3 मोल जाएंगे तो इसके 5 मोल जाएंगे, इसके 4 मोल बनेंगे और इसके 3 मोल बनेंगे, ये आपको रेशियो दे रहा है, इसका 30 जाएगा तो इसका 50 जाएगा, इसका 40 बनेगा इसका 30 बनेगा, इसका 3000 जाएगा तो इसका 5000 जाएगा, इसका 4000 बनेगा, ये 3000, ये रेशियो दे रहा है, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल के हिसाब से निकालिए, जितनी रेट इसकी आएगी उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी रेट इसकी आएगी इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी रेट इसकी आएगी इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी रेट इसकी आएगी उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो मैं इसे निकालूं, माइनस ए के लिए निकालूंगा 1/3, ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/5 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये क्या है, जो सिर्फ ये इसके बारे में पूछा जाए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, ऑफ बी है, इक्वल टू, इक्वल में ही चलेगा, उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी
इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये आपस में भी इनकी रेट आपस में कंपेयर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी और इससे भी, पर मोल निकालना। ये जो आप निकाल रहे हो, जो ए का निकालोगे वो 3 मोल के लिए आ जाएगा, आप उसे 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कोई आपसे पूछे माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी फिर क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। ठीक है, माइनस लगा हुआ, रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे डिसअपीयरेंस हो, चाहे अपीयरेंस हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप पॉजिटिव में लेके आओगे, नेगेटिव में आ रहा तो उसके आगे नेगेटिव लगा के पॉजिटिव में कर देते हैं। ठीक, इसी तरीके से कोई मेरे से पूछे कि भाई डेल्टा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या है, ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। डेल्टा डी बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी है। डेल्टा ई बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है। डेल्टा ई बाई डेल्टा टी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ई है। ये जितनी रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, हम यहाँ से देख रहे हैं, इसके तो 3 मोल बनेंगे, हमें तो पर मोल निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, किसी एक का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस देके आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। पहला बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे बोलेगा ये एक्स है तो कितना आएगा, एक्स बाई 3 आ जाएगा। दूसरा, एक का देके, एक का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस देके दूसरे का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछा जा सकता है, ए का देके बी का पूछ सकता है। ठीक, इसमें आप वही मोल कंसेप्ट लगाओगे, इसका 3 मोल से इसका 4 मोल बनते, इसके 1 मोल से इसका इतना बनेगा। ठीक है, या फिर ये आपको एक्सटेंशन लिखा, इस तरीके से आप लिख के निकाल दोगे। ठीक है, ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इस पर आते हैं। जैसे बात करें, एक क्वेश्चन आपको जैसे दिया गया 2a + 3b फॉर्म c + 5d। अब बोल दे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c इज 3 मोलर पर सेकेंड, देन फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, एंड थर्ड क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताइए। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ है, आप जो ध्यान देंगे क्वेश्चन में, आपको दिया किसका गया है, सी का दिया गया है। आप सारी चीज़ों को रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करना चाहते हैं, कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, -1/2 डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये डिब्बा कंसंट्रेशन के लिए, जल्दी जल्दी में कई बार नहीं लगाते हैं, -3 डेल्टा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा डी डी बाई डी डेल्टा टी डेल्टा टी, यहाँ पे भी आपका डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, ये है। अब इसमें से आपको किसी आपस में रिलेट करना है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बने, जो मन करे आप वो निकाल सकते हो। तो आर ओ आर, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये डी सी बाई डी टी दे रखा आपको, इसका कोफिशेंट 1 है, अपने को 1 देखना है, इसे अपने को क्या दे रखा है, अपने को सिर्फ इतनी वैल्यू दी है इसने। ठीक है, कोफिशेंट 1 है वो अलग बात है। ठीक है, इसने अपने को ये वैल्यू दी है कि 3 मोलर पर सेकेंड है इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लूँ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, इस 5 को उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 15 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, यहीं से मैं निकालूँ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, क्यों निकाल रहा हूँ, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो भाई ये क्या करोगे, माइनस को इधर ले, ये 2 इधर जाएगा, कितना बन जाएगा, 6 मोलर पर सेकेंड। यहीं से माइनस डी बी
बाई डी टी, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी, इस थ्री को उधर ले जाइए, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपको कितना दे रखी है, थ्री दे रखी है, 9 मोलर पर सेकेंड। एंड रेट ऑफ रिएक्शन कहीं से भी निकाल दीजिए आप, इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, इसमें जहाँ से भी आओगे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, कहीं से भी आप निकालोगे आपका जो आंसर आएगा 3 मोलर पर सेकेंड, 3 मोलर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस पे आपका एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी छोटा मोटे एग्जाम में आपको मिल जाता है, सीबीएसई से लेके ये आपका क्वेश्चन जी एडवांस तक भी आता है। इस पे बहुत ही बेसिक टाइप की चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी कि क्या इसके अंदर पूछा जा रहा है और किस तरीके से आप निकाल रहे हो, ठीक है। थोड़ा यदि हम दिमाग में लगाएं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत, जिस बच्चे को मैथ आता है और जो एडवांस की तैयारी करते हैं या मेंस की तैयारी करते हैं, आप देखिए सी का जो रेट होगा उसका 5 गुना रेट डी का होगा, सी का 3 है तो इसका कितना होगा, 5 होगा, यहाँ से जितना सी का होगा उसका 3 गुना रेट बी का होगा, ठीक है, और उसका 2 गुना रेट ए का होगा, निकल गया। सी का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल, पर मोल ही तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है, जितना रेट सी का आएगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो 1 सेकेंड में भी ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, अब इसके अंदर भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो हम ये लगाते हैं मोल कंसेप्ट कि इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, तो इसका 1 मोल और इसका 5 मोल, हम कभी भी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सोल्व करते कि इसका 2 ग्राम, इसका 3 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 5 ग्राम, आप मोल कंसेप्ट जानते हैं, कैलकुलेशन सारी किस में करते हैं, मोल में करते हैं। अब वो बाई चांस क्वेश्चन में आपको मास दे दे कि इतना मास इतने सेकेंड में बना है, तो बताइए जैसे इसका मास दे देता इतना मास बना है, तो बी का बताइए कितना मास कंज्यूम होगा, आप मास मास रिलेशनशिप नहीं लगा सकते, मोल कंसेप्ट यही बोलता है कि सारी कैलकुलेशन आप मोल में करोगे, 2 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, 2 किलो से 3 किलो या 2 ग्राम से 3 ग्राम बिल्कुल भी आप ये नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि वो आपको केजी में ग्राम में देगा तो पहले आपको उस क्वेश्चन को मोल में कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा, मोल पे इक्वेशन लगाओगे, फिर जाकर लास्ट में आपसे जो पूछा जाए उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो रिलेशन जो आ रहे हैं सारे वो क्या लगा के आ रहे हैं कि मोल के हिसाब से आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन किस में करोगे, आप मोल में ही करोगे। इस टाइप की एक मिस्टेक इसमें बहुत कॉमन सी हो जाती है। जैसे देखिए इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये रिएक्शन सभी ने देखी होगी, N2+3H2 form 2NH3। अब वो बोल दे इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 0.017 kg per second, देन फाइंड